गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बार फिर से इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे मुखातिब हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय संपूर्ण विश्व में कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है, जो कि और भी अधिक भयावह है। इसलिए आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए। आज के इस लेक्चर में हम जानकारी हासिल करेंगे मार्किनशिया के बारे में। हम प्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं और उसमें आज का टॉपिक है मार्किनशिया, जो कि लीवरवर्ट्स के अंतर्गत आता है। रिक्सिया हमने इसे पूर्व में पढ़ा है, वो भी लीवरवर्ट है, और हिपेटिकी या हिपेटिकोप्सिडा क्लास के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। तो आज हम जानकारी हासिल करेंगे मार्किनशिया के बारे में। आइए जानते हैं सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। ये डिवीजन ब्रायोफाइटा का सदस्य है, क्लास है हिपेटिकोप्सिडा, जिसे पूर्व में हिपेटिकी भी कहा गया था, और इन्हें सामान्य भाषा में लीवरवर्ट्स कहा जाता है। ऑर्डर मार्किनशियल्स, फैमिली मार्किनशियसी एंड जीनस मार्किनशिया। ये मार्किनशिया नाम इसका क्यों पड़ा? यह नाम इन्हें निकोलस मर्चेंट, जो कि डायरेक्टर थे बोटनिकल गार्डन के गेस्टन डी ऑरलेंस इन ब्लोइस फ्रांस में, उनके सम्मान में इस प्लांट को यह नाम मार्किनशिया दिया गया। नेक्स्ट है अकरेंस या इसका प्राप्ति स्थान। इसका हैबिटेट कैसा होता है, हमें मार्किनशिया कैसे स्थान पर दिखाई देता है। वर्ल्ड में मार्किनशिया की लगभग 65 स्पीसीज पाई जाती हैं। इन्हें हम देख सकते हैं शेडी प्लेसेस पर, डैम्प सोइल पे और बैंक ऑफ स्ट्रीम्स पे। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स नम आवास में पाए जाते हैं, तो वहीं पर हम मार्किनशिया को भी देख सकते हैं। इंडिया में इसके केवल 11 स्पीसीज ज्ञात हैं, जो मुख्यतः वेस्टर्न हिमालयस में पाई जाती हैं। इसे पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर देखा जा सकता है। कॉमन इंडियन स्पीसीज हैं इसकी मार्किनशिया पॉलीमोर्फा, सबसे अधिक कॉमन स्पीसीज है ये। मार्किनशिया पामेटा, मार्किनशिया इंडिका, मार्किनशिया नेपालेंसिस एंड मार्किनशिया सिमलाना। तो इनमें से मोस्ट कॉमन जो स्पीसीज है वो मार्किनशिया पॉलीमोर्फा के नाम से जानी जाती है। इसकी सभी स्पीसीज टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन ये शेडी प्लेसेस पर ग्रो करना प्रेफर करती हैं। अब बात आती है इसके गैमेटोफाइट की। हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स में एक डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। दोनों ही जनरेशन स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती हैं, गैमेटोफाइट एज वेल एज स्पोरोफाइट। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो होती है गैमेटोफाइट, जो कि इंडिपेंडेंट होती है। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर ही न्यूट्रिशन या पोषण के लिए डिपेंड रहता है, इसलिए वो स्वतंत्र प्लांट के रूप में दिखाई नहीं देता। तो हम पहले जानकारी हासिल करते हैं गैमेटोफाइट के बारे में। ये गैमेटोफाइट थैलोइड होता है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। थैलस हम किसे कहते हैं, जिसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होती, वास्तविक जड़ तना पत्ती जिसमें नहीं पाई जाती, ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। तो यहाँ मार्किनशिया में ये थैलोइड होता है। प्रोस्टेट है डोर्सी वेंट्रल, यानी इसमें हमें थैलस की दो सतह दिखाई देती हैं, एक तो डोर्सल और दूसरी वेंट्रल। इसकी तुलना हम लीफ, किसी भी प्लांट की लीफ से कर सकते हैं। जैसे हमने पीपल की पत्ती देखी, तो उसमें हम देखते हैं कि जो चिकनी सरफेस है वो डोर्सल सरफेस है, और उसके नीचे वाली जो थोड़ी रफ सरफेस है वो उसकी अधर सतह या वेंट्रल सरफेस कहलाती है। तो इसी तरह से ये भी डोर्सी वेंट्रल होता है, इसमें डोर्सल और वेंट्रल सरफेस पाई जाती है। डायकोटोमसली ब्रांच है, द्विभाजी रूप से शाखित है, ये इसमें हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि यहाँ आगे जाकर के ये दो शाखाओं में बंट जाता है। यहाँ भी हमें दिख रहा है ये एक है, फिर ये दो में बंटा, ये दो आगे जाकर के फिर से द्विभाजी रूप से शाखित हो जाता है। तो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि ये डायकोटोमसली ब्रांच्ड है, प्रोस्टेट है एंड डोर्सीवेंट्रल थैलस कहलाता है। अब डोर्सीवेंट्रल थैलस है तो इसमें दो सरफेस हैं, डोर्सल और दूसरी वेंट्रल। हमें कैसे पहचाननी होंगी दोनों सरफेस? जो डोर्सल सरफेस है, इस सरफेस पर हमें बहुत सारे इस तरह से पॉलीगोनल बहुकोणीय बहुत सारे कोण होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें डोर्सल सरफेस पर दिखाई देती हैं, और ये एक डॉट या बिंदु की तरह संरचना के द्वारा बाहर की तरफ खुलती हैं। तो ये पॉलीगोनल एरिया, इन्हें हम एरोली भी कह देते हैं, और ये एयर पोर के माध्यम से बाहर खुलती हैं। यहाँ हम इसको एक को ले सकते हैं, ये पॉलीगोनल एरिया है, ये पॉलीगोनल एरिया है, और इसमें डॉट स्ट्रक्चर है, ये एयर पोर को रिप्रेजेंट
कर रहा है। इसके अलावा इसमें हमें डोर्सल सरफेस पर गैमा कप कप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, जिन्हें गैमा कप्स कहा जाता है। इनमें गैमी पाई जाती हैं, तो ये स्ट्रक्चर हमें डोर्सल सरफेस पर देखने को मिलती है। इसके अलावा मार्केशिया का जो थैलस होता है उसमें अग्र सिरे पर एक खांच भी पाई जाती है, ये चाहे डोर्सल हो या वेंट्रल सर्फेस हो, यहाँ अग्र सिरे पर हर एक में हमें दिखाई दे रही है खांच भी होती है। एपिकल नोच ये कहलाती है, जिसमें इस थैलस का ग्रोइंग पॉइंट यानी वृद्धि बिंदु स्थित रहता है। जो वृद्धि करने वाली कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं, वो डिवाइड होती हैं थैलस की साइज में वृद्धि करने का काम करती हैं। तो ये कहलाती है डोर्सल सरफेस, जिसमें हमें एरोली या फिर पॉलीगोनल एरियाज दिखाई देते हैं, गैमा कप्स दिखाई देते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का साधन है, एयर पोर दिखाई देते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाता है थैलस, तो उस स्थिति में इस पर हमें एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर भी दिखाई देते हैं। ये है इसकी वेंट्रल सरफेस यानी अधर सतह। इस वेंट्रल सरफेस पर हमें ये जो बीच में मध्यवर्ती रेखा के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे होते हैं राइजोइड्स, ये मूलाभास कहलाते हैं। और इसके पास में ये मिडरिब रीजन में हमें मूलाभास दिखाई दे रहे हैं राइजोइड्स, और यहाँ पर ये हमें दिखाई दे रहे हैं स्केल्स। ये स्केल्स की दो रो है, ये थोड़े बड़े हैं, इनमें अपेंडिस पाई जाती है, अपेंडिकुलेट स्केल कहलाते हैं, और ये छोटे साइज के होते हैं। इनकी तुलना में इनमें अपेंडिस या उपांग नहीं होता, ये जीभ के आकार के होते हैं, टंग शेप्ड, इन्हें लिग्यूलेट जो स्केल है वो कहा जाता है। तो वेंट्रल सर्फेस हम पहचान सकते हैं राइजोइड्स और स्केल्स की उपस्थिति के कारण। तो ये डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में हम डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये हमें किस तरह के हमें ये दिखाई देते हैं, तो यहाँ हम फोटोज में देख सकते हैं, ये इसकी डोर्सल सरफेस है। डोर्सल सरफेस पर ये मिडरिब हमें दिखाई दे रही है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ये थैलस हमें दिख रहा है, द्विभाजी रूप से शाखित हो जाता है। ये मिडरिब भी इस तरह से आगे जाकर के बढ़ जाती है। इसी मिडरिब पर हमें गैमा कप्स दिखाई दे रहे हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गैमी होती है, ये गैमा कप्स भी इसी मिडरिब रीजन में पाए जाते हैं। तो ये तो इसकी डोर्सल सर्फेस है, और इसमें बहुत छोटे छोटे हमें डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये एयर पोर्स हैं जो एयर चैम्बर्स में पाए जाते हैं। वेंट्रल सर्फेस पर हमें ये राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये स्केल्स हैं। ये स्केल्स लिग्यूलेट स्केल्स होते हैं, वो मार्जिन्स की तरफ होते हैं, और जो अपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं वो मिडरिब के पास में स्थित होते हैं। तो इस तरह से हम डोर्सल और वेंट्रल सरफेस में डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। तो डोर्सल सरफेस हमें कैसी दिखाई देती है, तो डोर्सल सरफेस पर एक तो डिस्टिंक्ट मिडरिब होती है, एक मीडियन खांच होती है, ग्रूव होती है जिसमें ये मिडरिब पाई जाती है, मध्य शिरा पाई जाती है। तो यहाँ एक मीडियन ग्रूव है, और ये इसमें हम पहले भी इसको पिछले पिक्चर में भी देख चुके हैं कि इसमें मिडरिब पाई जाती है। बहुत सारे पॉलीगोनल एरियाज होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एयर चैम्बर को। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे बहुकोणीय क्षेत्र हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसके ऊपर एक डॉट जैसे स्ट्रक्चर है। तो ये एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मिडरिब रीजन में गैमा कप्स पाए जाते हैं। जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वो इस एपिकल नोच, ये जो एपिकल नोच होती है यहाँ पर, वहां ग्रोइंग पॉइंट स्थित रहता है। सेक्स ऑर्गन्स जो कि एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर होते हैं, ये भी डोर्सल सरफेस पर ही पाए जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है थैलस, तो इसी डोर्सल सरफेस पर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर सेक्स ऑर्गन्स के रूप में, रिसेप्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। अब एयर चैम्बर और एयर पोर किस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये पॉलीगोनल एरियाज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये कितने सारे कोण हैं, एंगल है इसमें, और ये इसके अंदर एयर पोर पाया जा रहा है। यहाँ भी कंसेंट्रिक रिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं एयर पोर की, और ये पॉलीगोनल एरिया में जो कि एयर चैम्बर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एयर पोर के द्वारा बाहर की तरफ ये खुलते हैं। तो ऐसी संरचना हमें इसकी डोर्सल सरफेस पर देखने को मिलती है। एयर चैम्बर एंड एयर पोर्स, मीडियन ग्रूव होती है जिसमें मिडरिब पाई जाती है, एपिकल नोच होती है। इसके अलावा हमें और भी स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, तो पहले हम इसी की डिटेल में स्ट्रक्चर जानते हैं। एयर पोर कैसे होते हैं, ये बैरल शेप्ड होते हैं, ढोलक के आकार के होते हैं, पीपे की शेप की कह सकते हैं, ढोलक की शेप की कह सकते हैं। ईच पोर इज सराउंडेड बाय 4 to 8 सुपर इम्पोज टायर्स ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स विद 3 to 4 सेल्स इन
ईच टेयर। तो यहाँ पर जो पोर होता है वो कंसेंट्रिक रिंग्स, ये यहाँ हमें दिखाई दे रही है, 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 to 8 सुपर इम्पोज टायर्स होते हैं सेल्स के, और प्रत्येक जो टायर होता है इसके अंदर 3 to 4 सेल्स होती हैं, ये कंसेंट्रिक रिंग्स का फॉर्मेशन करती हैं। एयर पोर कंपाउंड होते हैं नेचर में। इनमें जो लोअर टायर है उसमें 4 सेल्स होती हैं, और ये 4 सेल्स इसकी ओपनिंग को स्टार की तरह बनाती हैं। जो इसकी ओपनिंग है बाहर की तरह, जब ये खुलते हैं तो हमें इस तरह से स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये सबसे जो लोअर टायर है उसके कारण ऐसा होता है। इसके पोर्स नेक्ड आई से भी विजिबल होते हैं। नेक्स्ट है एयर पोर और एयर चैम्बर्स के अलावा डोर्सल सरफेस पर हमें क्या दिखाई देता है। तो गैमा कप्स होती हैं, और ये N3DO4 और RCGONIO4 पाए जाते हैं। तो गैमा कप्स ये मिड रिब रीजन में दिखाई देते हैं, मिड रिब रीजन में पाए जाते हैं। और जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेशल ब्रांचेस पर उत्पन्न होते हैं। ये तो थैलस होता है, थैलस के ऊपर कुछ ब्रांचेस होती हैं, इन्हें हम रिसेप्टिकल्स कहते हैं। ये रिसेप्टिकल यहाँ पे इसका स्टॉक होता है, ऊपर की तरफ जाकर के एक डिस्क होती है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर जो स्टॉक और इसके डिस्क ये कहलाता है। अगर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है तो N3DO4, और आर्चिगोनिया प्रेजेंट है तो आर्चिगोनियो 4। मेल और फीमेल थैलस इसमें सेपरेट होते हैं। मेल थैलस पर N3DO4 पाए जाते हैं, फीमेल थैलस पर आर्चिगोनियो 4 पाए जाते हैं। N3DO4 में जो डिस्क होती है वो ज्यादा कटी फटी नहीं होती, जबकि आर्चिगोनियो 4 में जो डिस्क होती है वो अम्ब्रेला की तरह दिखाई देती है, और काफी इसके जो बीच के कटान होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेंट्रल सरफेस की। तो जो निचली सतह है वहां पर हमें राइजोइड्स और स्केल्स दिखाई देते हैं मिडरिब के आसपास। ये मिडरिब है, इस मिडरिब में, इस रीजन में हमें राइजोइड्स दिखाई देते हैं। ये राइजोइड्स हैं ये सारे, जैसे इसमें ये दिखाई दे रहे हैं सेंटर में। इन राइजोइड्स के बाद हमें पहले दिखाई देंगे जो स्केल्स हैं वो कहलाते हैं अपेंडिकुलेट स्केल। इन पे अपेंडिजेस पाई जाती है। तो ये कई रो में पाए, 2 रो में होते हैं। पहले तो अपेंडिकुलेट होंगे और फिर उसके बाद लिगुलेट होंगे। इसमें हमें दिखाई दे रहे अपेंडिकुलेट, और जो किनारे की तरफ मार्जिन्स की तरफ हैं वो लिगुलेट स्केल्स कहलाते हैं। डिटेल में जानते हैं आइए इन्हें। तो ये राइजोइड्स, पहले हम देखते हैं कि राइजोइड्स जो मिडरिब रीजन में पाए जाते हैं वेंट्रल सरफेस पर, कौन कौन सी तरह के होते हैं। राइजोइड्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं स्मूथ वॉल्ड और दूसरे कहलाते हैं ट्यूबरकुलेटेड, या इन्हें पैक्ड राइजोइड्स भी कहा जाता है। जो स्मूथ वॉल्ड होते हैं ये पतली भित्ति वाले होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इसमें हमें अंदर की तरफ किसी तरह की जो प्रोजेक्शंस हैं वो दिखाई नहीं देते। इनकी जो इनर वॉल है वो स्मूथ होती है। जो ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं इनकी इनर वॉल में बहुत सारे पैग लाइक इन ग्रोथ्स पाए जाते हैं, खूंटीनुमा उभार होते हैं। ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसकी इनर वॉल बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर ये कुछ प्रोजेक्शंस बनाती है, इन ग्रोथ्स होती हैं, तो ये ट्यूबरकल्स से कहलाती हैं। इन्हें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स कहा जाता है। तो ये स्मूथ वॉल्ड है, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स हैं। फंक्शन क्या है राइजोइड्स का, ये एंकरेज का काम तो करते ही है, जो थैलस है उसको किसी आधार से चिपकाने का काम तो करते ही हैं, साथ ही ये वाटर एंड मिनरल्स के अब्जॉर्प्शन में भी सहायक होते हैं। जो रूट्स का काम है वो यहाँ राइजोइड्स के द्वारा किया जाता है। फिर है स्केल्स। तो स्केल्स हम जान चुके हैं कि यहाँ पर 2 रो में पाए जाते हैं। तो ये स्केल्स मल्टी सेलर स्ट्रक्चर होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, और वॉयलेट कलर के होते हैं, बैंगनी कलर के होते हैं। एंथोसाइनिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण ये वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, और 1 सेल इन थिकनेस होते हैं। ये 2 रोज में पाए जाते हैं, मिडरिब के दोनों तरफ ये 2 रो होती हैं, जिनमें से मिडरिब के बिल्कुल पास में जो होती हैं वो तो अपेंडिकुलेट स्केल्स होते हैं, और जो मार्जिन की तरफ होते हैं वो लिगुलेट स्केल कहलाते हैं। तो ये 2 रोज में पाए जाते हैं, ये 2 तरह के होते हैं, एक तो हम कहते हैं लिगुलेट स्केल, दूसरे कहलाते हैं अपेंडिकुलेट स्केल। जो लिगुलेट होते हैं वो तो बहुत ही सिंपल होते हैं, टंग शेप या वेज शेप्ड होते हैं, इनमें किसी तरह की कोई अपेंडिज या उपांग नहीं पाया जाता, और ये मार्जिन की तरफ सिचुएटेड रहते हैं। जो अपेंडिकुलेट होते हैं ये मिडरिब के पास से पाए जाते हैं, ये मिडरिब है, इसके पास से पहले अपेंडिकुलर स्केल्स होते हैं। इनमें इस तरह की अपेंडिस पाई जाती है जो अक्यूट होती है, अपने सिरे पर या फिर कहीं पर बीच बीच में साइड में भी हो सकती है, और ये
स्केल जो है वो हमेशा इनर रो बनाते हैं। आउटर रो तो बनती है लिगुलेट स्केल से, इनर रो बनती है अपेंडिकुलेट स्केल्स के माध्यम से। तो दो तरह के स्केल्स हैं, लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट। इसमें अपेंडिज नहीं पाई जाती, इसमें ये जो ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है ये अपेंडिज या उपांग कहलाती है। अब इनका काम क्या है, ये ग्रोइंग पॉइंट की सुरक्षा करने का काम करते हैं। जो वृद्धि बिंदु है थैलस के उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्केल्स के माध्यम से किया जाता है। तो इस पिक्चर में हम फिर से देख सकते हैं ये राइजोइड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये स्मूथ वॉल्ड है और ये हमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं। ये लिगुलेट स्केल और ये जिसमें अपेंडिज है वो अपेंडिकुलेट स्केल कहलाता है। ये फिर से वेंट्रल सरफेस पर राइजोइड्स और स्केल्स का अरेंजमेंट हम देख सकते हैं। दो तरह के राइजोइड्स और दो ही तरह के स्केल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमने आज पढ़ा कि ये मार्किनशिया मोइस्ट शेडी प्लेसेस में पाया जाता है, इसकी जो कॉमनेस्ट स्पीसीज है वो मार्किनशिया पॉलीमोर्फा है। प्रोस्टेट डोर्सीवेंट्रल डाइकोटोमस लिब्रान्स थैलेसिस में पाया जाता है, जो डोर्सल सरफेस है उस पर हमें मिडरिब देखने को मिलती है। पॉलीगोनल एरियाज पाए जाते हैं, गैमा कप्स पाए जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाता है थैलस तब हम इसे इस पर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर्स भी दिखाई देते हैं। जो वेंट्रल सरफेस है वो स्केल्स और राइजोइड्स को उत्पन्न करती है जो कि फिक्सेशन का और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, साथ ही ग्रोइंग पॉइंट की सुरक्षा भी करते हैं। राइजोइड्स दो तरह के होते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। स्केल्स भी दो तरह के होते हैं, लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट। दैट्स ऑल, स्टे एट होम एंड वियर मास्क। थैंक यू।